सदर और बिरादरान इस्लाम, आज हमारे यतीम खाने का सालाना जलसा है। इस जलसे की इब्तिदा एक दर्दनाक नज़्म से होगी जिसका उन्वान है यतीमों की फरियाद। ये फरियाद इस यतीम खाने के मासूम बच्चे आपको गाकर सुनाएंगे। सुनिए और यतीमों की इमदाद फरमाइए। उठो बच्चों। Thank you.
मोहब्बत की एक आग लगा देंगे। यतीम खाने के लावारिस बच्चों की परवरिश और तालीम और तरबियत के लिए मैं फिलहाल 10,000 रुपए का चेक पेश करता हूँ। मेरी दुआ है कि ये बच्चे इतने होनहार और लायक हों कि कौम इन पर बजा तौर पर फख्र कर सके। अल्लाह हुजूर को जजाए खैर दे, ये यतीम बच्चे हुजूर के जानो माल को दुआ देंगे। जहालत तबाही की जड़ है। दुनिया की कश्मकश में हिस्सा लेने के लिए कौम के हर बच्चे को तालीम की सख्त जरूरत है। जब हुजूर के दिल में इतना रहम और इतना दर्द है तो इंशाल्लाह इस यतीम खाने का हर बच्चा कौम का बेड़ा पार लगा सकता है। आज भी हो जो इब्राहिम का इमा पैदा, आग कर सकती है अंदाज़े गुलिस्तां पैदा। शाबाश, तुम बहुत होनहार बच्चे हो। इधर आओ हमारे पास। क्या नाम है तुम्हारा? खादिम को इकबाल कहते हैं। माशाल्लाह, हमें मसर्रत हुई कि अल्लाह ताला ने हमारी कौम में एक दूसरा इकबाल पैदा कर दिया। मगर वो तो डॉक्टर थे, तुम क्या बनोगे जवान होकर? गुलाम भी डॉक्टर बनने का इरादा रखता है अगर दस्तगीरी फरमाई जाए। जरूर जरूर। मुंतजिम साहब। जी हुजूर। आप इस बच्चे को हमारे सुपुर्द कर दीजिए, हम इसकी तालीम और तरबियत का मुनासिब इंतजाम करेंगे और इसे डॉक्टर इकबाल बनाएंगे। बंदे को क्या इनकार हो सकता है, अगर हुजूर उन सब बच्चों को भी अपने साए में ले लें तो उनकी जिंदगी संवर जाए। खुदा ने चाहा तो उनका दर्द भी कौम के दिल में पैदा हो जाएगा। हमारे साथ चलोगे बेटा? जी। खादिम आदाब बजा लाता है। जी तेरा वो। बेगम, ये बड़ा होनहार और शरीफ बच्चा है, हम इसे यतीम खाने से लाए हैं, आज से ये हमारे साथ रहेगा। सुरैया, तुम इकबाल को अपने हमराह ले जाओ बेटा, जरा बागीचे वगैरह की सैर कराओ। जी चलिए। सामान हमारे हवाले कर दो बेटा। ये बड़ा होकर डॉक्टर बनना चाहता है, इंशाअल्लाह हम इसकी तमन्ना जरूर पूरी करेंगे। बागीचे का नाम है निशाद बाग। हमारी सालगिरह के दिन इसमें बड़ा भारी जश्न मनाया जाता है। 9 मन घी से महल में चिराग जलाए जाते हैं, फिर हमें अशरफियों में तोला जाता है और वो अशरफियां गरीबों और यतीमों में तकसीम कर दी जाती है। तुम भी तो कुछ बोलो, बताओ तुम्हारी सालगिरह में क्या क्या होता है? मेरी सालगिरह? अजी मेरी सालगिरह तो आसमान पर मनाई जाती है, जमीन तंग हो गई है उसके लिए। आइए आप भी तशरीफ रखिए, हम घास फूस पर बैठने के आदि नहीं। बड़े बदतमीज हो, कमरे में कौन आया कौन गया तुम्हें इसका भी ख्याल नहीं। नवाबों के घर में रहने आए हो तो यहाँ के तौर तरीके भी सीखो। ओह भूल हो गई है, माफी चाहता हूँ, मैं दरअसल एक किताब पढ़ रहा था। हमने तुम्हें माफ किया। शुक्रिया। चलो हमारे साथ। जी कहाँ जाना होगा? चांद की 14वीं रात हमारे बाग में जश्न हुआ करता है, चलो तुम भी देखो। चलिए। ठहरो, इन मैले कुचले कपड़ों से तुम बाग की फिजा खराब करना चाहते हो? मगर मेरे पास तो इनसे अच्छे कपड़े मौजूद नहीं है। शायद तुम नहीं जानते कि नवाबों के घर में सब कुछ मौजूद रहता है। ए, इनके लिबास का इंतजाम करो। अच्छा लिबास हैवान को भी इंसान बना देता है, हमारी मेहरबानियों का शुक्रिया अदा करो। शुक्रिया, वाकई मैं इंसान दिखाई देने लगा। और ये चीथड़े, ए ले जाओ इन्हें जला दो। ठहरी ठहरी ठहरी, खुदा रहा इन्हें जलाने का हुक्म ना दीजिए, ये मेरे दुख दर्द के साथी और मेरी गरीबी की यादगार है।
जाहिल बदतमीज बेहुदा अच्छे लिबास को भी बदबूदार बना दिया इन मैले कुचले कपड़ों से, जंगली कहीं का। मैं जंगली? मखमल में टाट का पेवर जेब नहीं देता, मुझे वापस जाना चाहिए। लिखा हुआ है बेटा, इस रुके में नहीं तो इनके दिल में जरूर है कोई बात। क्यों बेटा, तुम्हें कुछ शिकायत है सुरिया से? जी नहीं, मुझे क्या शिकायत हो सकती है, मैं तो इनकी मेहरबानी का शुक्रगुजार हूँ। देखा, ये तो तुम्हारी तारीफ कर रहा है। तारीफ कर रहे हैं तो हम अपने अल्फाज वापस लेते हैं। शाबाश, बड़ा मजा उस मिलाप में है जो सुलह हो जाए जंग हो गए। बेटा, यतीम कौमी ताज के वो मोती हैं जिनकी कीमत दोनों जहान के खजाने से भी अदा नहीं हो सकती। तुमने एक यतीम का दिल दुखाया है, माफी मांग लो इकबाल से। जी नहीं, मेरी वजह से इन्हें तकलीफ हुई है, इसलिए माफी मुझे मांगनी चाहिए। कसूर हमारा था, इसलिए माफी हम मांगते हैं। मेरे बच्चों, तुम्हें डॉक्टरी की डिग्री और तुम्हें 17वीं सालगिरह मुबारक हो। खुदा करे तुम दोनों अपनी जिंदगी के बाग में बाहर ही बाहर देखो और इस घर की छोटी सी दुनिया में आफताब और महताब बनकर जगमगाते रहो। हजूर ने ही जर्रे को आफताब बनाया है, अगर आपने सहारा ना दिया होता तो आज मैं कौम और जमीन पर एक बोझ होता। इसे खुदा की रहमत समझो बेटा, खैर से अब तुम डॉक्टर बन गए हो, जरा मेरे सर दर्द का भी ख्याल रखना। हाँ, बेगम साहबा के सरदर्द की हम भी सिफारिश करते हैं, कोई ऐसी गोली इजाद करना कि न सर रहे न सर का दर्द। हुजूर नवाब साहब को दो गोलियों की जरूरत होगी। आपने याद फरमाया है। जी, तशरीफ लाइए। क्या हुक्म है? हमारी सालगिरह की खुशी में आपने कोई हिस्सा नहीं लिया? जहां तक खुशी का ताल्लुक है शायद मैं सबसे आगे हूँ, और जहां तक नुमाइश का ताल्लुक है मैं वाकई सबसे पीछे हूँ। क्या मतलब? बानो, मैं शर्मिंदा हूँ कि इस मुबारक मौके पर मैंने सिर्फ दुआओं के फूल बिखेरे, लेकिन कोई ऐसा तोहफा ना पेश कर सका जो आपकी शान के लायक होता। तोहफे की क्या जरूरत है?
माशाल्लाह आप तो खुद एक तोहफा हैं। जी क्या फरमाया? अब्बा हुजूर अक्सर फरमाया करते हैं कि इकबाल मियाँ एक तोहफा हैं जो कुदरत ने हमें अता फरमाया है। यकीन ना आए तो पूछ लीजिएगा उनसे। शुक्रिया, जा सकता हूँ? जाइए। ठहरिए, आपने डॉक्टरी की डिग्री हासिल की है, इस खुशी में मैं आपको तोहफा पेश करती हूँ, इसे कबूल फरमाइए। हीरे की अंगूठी? एक हकीर तोहफा। मगर मैं अपने आप को इस लायक नहीं समझता बानो। आप किस लायक हैं ये शायद आपको मालूम नहीं। हाथ बढ़ाइए। वारिस पर इतने करम, इतनी मेहरबानियां, क्या समझ कर उन्होंने इतनी कीमती अंगूठी मेरे हवाले कर दी। मैं इसे क्या समझूं, कुछ समझ में नहीं आता। मैंने इस घर का नमक खाया है, नवाब साहब और बेगम साहिबा ने मुझे औलाद की तरह पाला है। कदम डगमगा गए तो अंधेरे अकार में गिर पड़ूंगा। रास्ता खतरनाक है, मेरे इम्तहान का वक्त। परवरदिगार मेरी मदद करना, मैं किसी लायक नहीं हूँ। खुदा के लिए अपनी राय बदल दीजिए, बदल दीजिए अपनी राय मेरे बारे में। आपके दस्तखान से चुने हुए टुकड़े खाने वाला इस इज्जत के लायक नहीं है बानो।
ले जाओ, हम नहीं पिएंगे। चाय जल्दी गर्म कर लाओ। आप आ गए? चाय पड़ी पड़ी ठंडी हो गई थी, मैंने गर्म करने के लिए भेज दी है। बैठिए। हॉस्पिटल का वक्त हो गया है, ना पी सकूंगा। शुक्रिया। बेगम, खैरियत तो है ना? आज पानी खाने को मिला ना हुकाई मजेदार है, कुछ तवज्जो कम हो गई है तुम्हारी। ना मुआ सर का दर्द जाता है, ना कुछ सूझता है। आप भी तो बदले बदले दिखाई देते हैं आजकल। माशाल्लाह, बुढ़ापे में बेतकल्लुफी सूझी है। सर दबा दूं? हो सके तो थोड़ा संबल मंगवा दीजिए। हम सर दबा देते हैं, ठीक हो जाओगी। जानती हो, दर्द सर के वास्ते संदल लगाना है मुफी। इसका घिसना और लगाना दर्द सर ये भी तो है। आज मैं इकबाल खाने पर था और सुरैया। वजह? इकबाल तो मेरे सर दर्द की गोलियां बना रहा होगा और सुरैया ने कहा था भूख नहीं। ओ। बस कीजिए, थक जाइएगा, मेरा दर्द जाता रहा। तो फिर जरा मेरे हाथ दबा दो, दर्द होने लगे। ओ, आप? जी, बहुत देर से आना हुआ। इतना काम ना किया कीजिए कि सेहत खराब हो जाए। चलिए खाना खाएं। तो क्या अभी तक आप भूखी बैठी हैं? कोई हर्ज नहीं, अब खा लेंगे साथ साथ। आज कुछ तबीयत खराब सी है मेरी, न खा सकूंगा। दो लुकमे? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। आइए मेज पर तो आइए। हजूर नवाब साहब ने याद फरमाया है, उनकी खिदमत में जा रहा हूँ। जाने की तैयारी हो रही है जी। मैं यूं ही चली आई थी, ख्याल था कि शायद आज आप अस्पताल नहीं जाएंगे। कोई काम हो तो फरमाइए। जी नहीं, कोई ऐसी बात तो नहीं। ओ। कहाँ गई थी? एक जरूरी काम याद आ गया था। क्या था वो जरूरी काम?
तुम पूछ कर क्या करोगी? सब समझती हूँ, सब समझती हूँ। क्या समझती हो? छेड़छाड़ तो तुम्हारी आदत हो गई है। हाय जालिम, जरा कलेजे पे हाथ रख कर फिर से तो कहना। हमसे मजाक मत किया करो। रुक गई, मुझे मनाना भी आता है। एक बात तो बताइए डॉक्टर साहब। पूछिए। क्या वाकई आपने डॉक्टर के पास की है? आपको कुछ शुभ है? शुभ तो नहीं, मगर ये बताइए, आप मरीज का मर्ज नब्ज देखकर पहचानते हैं या चेहरा देखकर? जरूरत पड़े तो नब्ज, वरना चेहरा देखकर ही मर्ज का पता चल जाता है। तो फिर बताइए तो मुझे क्या हुआ है? आपको चेहरा उदास, रंग जर्द, आंखें भारी, शायद रातों को नींद नहीं आती। ये आप मेरे बारे में कह रहे हैं या सुरैया के बारे में? मैंने तो आप ही के बारे में कहा। यहाँ आप फेल हो गए। ऐ हुजूर, नींद मुझे तो खूब आती है, मगर इस गरीब को नहीं आती रात रात भर। झूठ, बिल्कुल झूठ, मुझे तो अच्छी तरह नींद आती है। जी हाँ, नींद तो आती है, मगर चौंक चौंक पड़ती है रात को। तो आपका मतलब है ये बीमार है? बीमार और बहुत बीमार। उठते बैठते, खाते पीते, सोते जाते, जब देखे इनका दिल धक 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 किया करता है। अरे वाह, तुम्हारा दिल नहीं धक धक किया करता, इस पे इख्तियार थोड़ी है। तो चुप बैठ, डॉक्टर से छिपाएगी तो इलाज कैसे होगा? डॉक्टर साहब, जरा इसकी नब्ज को देखिए, देखिए देखिए देखिए। नब्ज तो काफी तेज चल रही है, कुछ हिद्दत ही दिखाई देती है मिजाज में। ठीक, बिल्कुल ठीक। ये बेचारे तो जली भस्म हुई जाती है, जाने कैसी आग सुलग रही है दिल में इसके। मालूम होता है खून भी कम है। खून है कहाँ, वो तो कब का सूख चुका। जबान दिखाइए। जबान में होती तो रोना किस बात का था। मैं बिल्कुल अच्छी हूँ, आप इसकी बातों पर न जाइए। शेह, बचिए मिर्जा साहब, बादशाह पिट रहा है। जी हाँ, देख रहा हूँ। अजी बचिए तो सही, चलिए बच गए। माशाल्लाह, खूब चाल चले हैं आप, उल्टा हमी को चक्कर में डाल दिया। ये मिर्जा साहब की चाल है तुबला, मानते हैं भाई। बैठो बेटा, आज मिर्जा साहब से छिड़ गई है। एक बार जीत चुके हैं, दोबारा जीतने का ख्याल है, चाल चलिए हुजूर। खादिम आदाब बजा लाता है। ओ, मुंशी अमजद अली साहब, कहिए कैसे आना हुआ, खैरियत तो है? हुजूर का इकबाल दूना हो, खिजर की उम्र पाए सरकार, जमालपुर में टाउन फूट पड़ा है। खुदा रहम करे। आपकी रियाया बस्ती छोड़कर कब्रस्तान आबाद कर रही है, अगर रोकथाम ना की गई तो सारा गांव उजड़ जाएगा। अल्लाह न करे, हम अपने महबूब रियाया को मरते न देख सकेंगे। रोकथाम बहुत जरूरी है, फौरन इंतजाम होना चाहिए। तो रोकथाम के लिए गुलाम चला जाए। तुम जमालपुर जाओगे, इस भड़कती हुई आग में कूद पड़ोगे। मुस्ताफी माफ हो, गुलाम ने डॉक्टरी सिर्फ इसीलिए पढ़ी थी कि खल्के खुदा के काम आए, और ये खिदमत का बेहतरीन मौका है। मगर बेटा, शहर में बेशुमार डॉक्टर मौजूद हैं, तुम अपनी जान खतरे में क्यों डालते हो? ये मेरे फर्ज की पुकार है किबला, इस खिदमत के लिए तो सिर्फ गुलाम ही को इजाजत दीजिए। तुम्हारी मर्जी, जाओ, अल्लाह तुम्हारा मददगार हो। हौसला अफजाई का शुक्रिया। ओहो, तो आपने सचमुच जाने की तैयारी कर ली? जी हाँ, मुझे जाना ही पड़ेगा। जाना ही पड़ेगा, एक मरीज तो घर में दम तोड़ रहा है और चले हैं गांव भर का इलाज करने। अजी हजरत, पहले इस गरीब का तो इलाज कीजिए। मुझे क्या हुआ है? तू चुप बैठ। हाँ साहब, तो फिर जवाब दीजिए मेरी बात का, इलाज सीधी तरह होगा या? हाँ, आपके मरीज का इलाज मैं न कर सकूंगा। मरीज मेरा नहीं, आपका है। यही सही, मगर मरीज की देखभाल आप मुझसे बेहतर कर सकती हैं। जब मसीहा ने हाथ उठा लिया तो मैं बेचारी क्या कर सकती हूँ? जुबैदा, तू बहुत बढ़ चढ़ कर बातें करना सीख गई है, मैं इसे बर्दाश्त नहीं कर सकती। बिगड़ गई, मगर मैं बुरा न मानूंगी, जानती हूँ कि मरीज का मिजाज चिड़चिड़ा हो जाता है। संभालिए डॉक्टर साहब अपने मरीज को, मैं चली।
क्या सचमुच जा रहे हैं आप? जी। किसी और को क्यों नहीं भेज देते? वहां तो खतरा ही खतरा दिखाई देता है। दुरुस्त है, मगर जब वो गरीब मौत की हिस्सियां ले रहे हैं, मैं जिंदा रहते हुए शर्म महसूस करता हूँ। नसीबे दुश्मना, अगर आपको कुछ हो गया तो। नहीं नहीं, मैं आपको ना जाने दूंगी। न रोकिए, ये मेरे फर्ज की पुकार है बानो। फर्ज की पुकार उधर भी है इधर भी। आप दूर की आवाज तो सुन लेते हैं, लेकिन पास की आवाज क्यों सुनाई नहीं देती आपको? ऐसा ना कहिए, आपके इशारों पर मैं जान तक दे सकता हूँ, लेकिन मैं और किसी बात के लिए मजबूर ना करूंगी, मगर वहां ना जाइए। आप कहती है मुझे जान जोखिम में न डालनी चाहिए, फर्ज कहता है मौत से जंग करने के लिए मुझे मैदान में कूद पड़ना चाहिए। बेकस और बेवा औरतें, कमसिन और यतीम बच्चे, बूढ़े लाचार माँ बाप फरियाद कर रहे हैं, सिसकियां ले रहे हैं, दुहाई दे रहे हैं। खुदा रा अपनी गरीब रियाया की फरियाद सुनिए, उनकी बेबसी पर रहम खाइए। ये मेरा नहीं, आपका फर्ज है। बहुत अच्छा, मैं आपको नहीं रोकती, जाइए। खुदा आपका मददगार हो। डॉक्टर, 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 डॉक्टर,
से लगातार काम कर रहे हैं आप। डॉक्टर साहब जल्दी चलिए, बाबा दम तोड़ रहे हैं, उन्हें बचा लीजिए, खुदा के लिए उन्हें बचा लीजिए डॉक्टर साहब। हमीदा, मेरी बेटी तो कहाँ है? ये देखिए, खुदा के लिए इन्हें बचा लीजिए डॉक्टर साहब। फिक्र ना कीजिए, ये बहुत जल्द अच्छे हो जाएंगे। ये दवा, इन्हें दो दो घंटे के बाद पानी बराबर पिलाती रहिएगा। पानी? ओह, मेरा मतलब है दवा। इन्हें दो दो घंटे के बाद दवा बराबर पिलाती रहिएगा, जरूरत पड़े तो मुझे फिर याद कर लीजिएगा। रास्ता इधर है डॉक्टर साहब। ठहरिए, आपका बैग। ओह, मैं दरअसल कुछ खोसा गया था। शुक्रिया। खोसा गया था? क्यों? अदा वो नाज को जालिम तेरी शमशीर कहते हैं। ओहो, क्या हुआ है मुंशी जी को एकाएकी? कल तक तो भले चंगे थे। गिल्टी निकल आई है, ताऊन हो गया है। ताऊन? बाप रे। आपने एक दिन कहा था न सर रहे न सर का दर्द। जब मुआ सर का दर्द दूर नहीं होता तो सर क्यों सलामत है? बिस्मिल्लाह कीजिए, तलवार कमरे में धरी है। जरा आप ही तकलीफ कीजिए। मैंने कहा था ना, तवज्जो कम हो गई है तुम्हारी, मरना चाहती हो? मगर तलवार तो आप याद दिला रहे हैं, निगाह बदली हुई नहीं तो फिर क्या है? बेगम, न हम मरेंगे न तुम्हें मरने देंगे। अरे अभी तो हमें सुरैया और इकबाल की खुशियाँ देखनी है। मेरा भी यही जी चाहता है, खुदा उसे खैर से लाए। आमीन आमीन आमीन। खुदा का शुक्र है कि खतरा टल गया, आप अच्छे हो गए। आपने बिन माँ की बच्ची को यतीम होने से बचा लिया, खुदा आपकी मुरादें पूरी करे। मैं किस जबान से आपका शुक्रिया अदा करूं? आपने बड़ा करम किया है हमारे हाल पर। शुक्रिया की जरूरत नहीं, मैंने अपना फर्ज अदा किया है। इजाजत, खुदा हाफिज। ठहरिए, आपका बैग। ओह,
जाने क्या हो जाता है मुझे यहाँ आकर। क्या देख रही हैं आप? देख रही हूँ कि आप में और फरिश्ते में क्या फर्क है। अगर मैं फरिश्ता हूँ तो आप हूर हैं। जी जी जी। दास्तान मोहब्बत लिखी जा रही है किसी को? जी फिर तो हम देखेंगे और जरूर देखेंगे। हम नहीं दिखाएंगे, हरगिज नहीं दिखाएंगे। अच्छा तो मैं भी चली ढंडोरा पीटने। ठहरो ठहरो सुनो तो। नहीं हम जाते हैं। अच्छा तो मैं सुनाई देती हूँ। सुनाओ। मेरे दिल के मालिक। हा मेरे दिल के मालिक। मेरी उम्मीदों के मरकज। मेरी उम्मीदों के मरकज। मेरी जिंदगी मेरी रूह। मेरी जिंदगी मेरी रूह। कनीज का सलाम शौक कबूल हो। वालेकुम सलाम। कुछ आगे भी कहोगी? जी हाँ करती हूँ। लिखा है दिल की दुनिया सुनी पड़ी है। बहार का मौसम ठंडी हवाएं काली घटाएं बुलबुल के नगमे कोयल की कूक पपीहे का शोर कौओं की काए काए मेंढक की ताए ताए। आखिर ये क्या बकवास है? बहुत अच्छा सरकार यही सही।
लीजिए दस्तखत फरमाइए। क्या मतलब? मतलब ये कि नाजुक सी मोहब्बत का नाजुक सा फसाना है, बाकी मतलब डॉक्टर इकबाल खुद समझ लेंगे। दस्तखत फरमाइए, डाक का वक्त हो गया। तुम हद से बढ़ गई जुबैदा। बिगड़ गई? मेरी तौबा है सरकार, कत्ल कर डालो हमें या जुर्म उल्फत बख्श दो। लोग खड़े हैं हाथ बांध रहे हम तुम्हारे सामने। बेगम सुना तुमने, इकबाल लिखता है कि अल्हम्दुलिल्लाह जमालपुर की हालत सुधरती जा रही है, ये सब उसी की मेहनतों का नतीजा है। बड़ा शरीफ और नेक लड़का है। हमारी भी यही राय है। रात मैंने ख्वाब देखा था। खैरियत का ख्वाब था? देखा घर में जश्न हो रहा है, आप और हम फूलों में लदे हैं, बाजे बज रहे हैं। ख्वाब तो बहुत अच्छा है, अगर फिर से दुल्हन बनने का ख्याल है तो बिस्मिल्लाह हम तैयार हैं। जी नहीं, इस ख्वाब की ताबीर कुछ और है। वो क्या? सोचिए। सोच लिया। बताइए। पहले तुम। मेरी गुड़िया और आपका गुड्डा दोनों में दिया रचेगा। क्यों नहीं क्यों नहीं, माशाल्लाह अभी बच्चे ही तो हैं हम दोनों। बेगम अगर अपनी उम्र तुम्हें याद नहीं तो हमारी दाढ़ी का तो ख्याल करो। अजी सरकार मेरा मतलब है। एक मुसाफिर का हकीर नजराना, एक गरीब का नाचीज तोहफा। आज का समय कितना सुहाना है, हर तरफ बहार ही बहार है। ऐसे में कोई गाने लगे तो दिल झूम झूम उठे। आप जानती हैं गाना? जी थोड़ा सा। सुन सकता हूँ? क्या गाऊं? जो जी में आए, देहाती लड़कियां जो गाया करती हैं। एक देहाती गीत मुझे याद है, ऐसे में वही गाया जाता है, वही सुनाती हूँ। दिल धड़के आँख मोरी धड़के, दिल धड़के दिल धड़के आँख मोरी धड़के। चले जाना ना देखो जी बिछड़के, चले जाना ना देखो जी बिछड़के, दिल धड़के। कहीं बीते ना दुख में जवानी, कहीं सुन ले ना दुनिया कहानी, कहीं सुन ले ना दुनिया कहानी। कहीं बन जाऊं मैं ना दीवानी, दिल धड़के। कहीं बन जाऊं मैं ना दीवानी, दिल धड़के दिल धड़के आंख मोरी धड़के। चले जाना ना देखो जी बिछड़के, दिल धड़के। कहीं पाले ना कोई इशारा, कहीं पाले ना कोई इशारा। कहीं टूटे ना दिल का सहारा, दिल धड़के। कहीं टूटे ना दिल का सहारा, दिल धड़के दिल धड़के आंख मोरी धड़के। चले जाना ना देखो जी बिछड़ के, दिल धड़के। कहीं जाना न करके बहाना, कहीं जाना न करके बहाना। न बने दो दिलों का फसाना, न बने दो दिलों का फसाना। देखो नाजुक बहुत है जमाना, दिल धड़के। देखो नाजुक बहुत है जमाना, दिल धड़के दिल धड़के आंख मोरी धड़के। चले जाना ना देखो जी बिछड़ के, दिल धड़के। ओह
तो गुलछर्रे उड़ाए जा रहे हैं यहाँ। खूब रोशन कर रही हो बूढ़े बाप का नाम। आदाब से डॉक्टर साहब, आप इस गांव में बीमारों का इलाज करने आए हैं या भोली भाली लड़कियों को बहलाने फुसलाने? अगर हुजूर नवाब साहब को मालूम हो गया तो जानते हैं क्या होगा? क्या होगा? देखना चाहती हो क्या होगा? ये हसीन ख्वाब धरे के धरे रह जाएंगे। हम अपने गांव की आबरू लुटते नहीं देख सकते। हाय अल्लाह, अब क्या होगा? घबराने की जरूरत नहीं, हमने कोई गुनाह नहीं किया। मगर वो बड़ा लुच्चा है। मैं उसका इंतजाम करूंगा। शेर के मुंह का निवाला छीनने के लिए शेर से ज्यादा ताकतवर होने की जरूरत है। मैं अपने रकीब का सर कुचल दूंगा। ओ, तुम? मैं आपसे कुछ अर्ज करने आया हूं। करो वर, मैं सुन रहा हूं। एक नेक और शरीफ लड़की की इज्जत का सवाल है, क्या मैं उम्मीद कर सकता हूँ कि आप उसे बदनाम न करेंगे? 10,000 निकालो फिर बात होगी। खामोश रहने की कीमत 10,000? हमीदा की इज्जत अगर 10,000 में महंगी है तो तुम अंधे हो। बेहतर, मैं कोशिश करूंगा, लेकिन चंद दिनों की मोहलत चाहिए। हम उधार नहीं किया करते, दाम अभी चुकाने होंगे। फिलहाल ये अंगूठी अपने पास रख लीजिए, रकम देकर मैं इसे वापस ले जाऊंगा। आज की अंगूठी देकर दिलावर को टरखाना चाहते हो? इसमें हीरा जड़ा हुआ है, बहुत कीमती चीज है। हीरा जड़ा हुआ है? ओहो हो हो हो, अब तुमसे बहस कौन करे। हाँ जी, 9 नगद ना 13 उधार, अपन तो झटपट फैसला करने के आदि हैं। वादा तो याद रहेगा? वादा सो वादा, तुम फिक्र ना करो यार, बेचारी की इज्जत का सवाल है। शुक्रिया, इजाजत? शौक से तशरीफ ले जाइए, शौक से। क्या बात है बेटा? दिलावर का घर में आना जाना बंद कर दीजिए अब्बा जान, वो बड़ा कमीना है। मैं जानता हूँ, वो बड़ा खराब आदमी है बेटा। कभी रास्ता रोक लेता है, कभी आंखों से इशारे करता है, कभी बुरे बुरे गाने गाकर सुनाता है। जान आफत में घेर रखी है कमबख्त ने। फिक्र ना कर बेटा, अब वो इस घर में कभी कदम नहीं रख सकता। दिले बेकरार का, आंखों में रंगो भर के तेरे इंतजार का, अफसाना लिख रही हूँ। जब तू नहीं तो कुछ भी नहीं है, बहार में नहीं है बहार में। जब तू नहीं तो कुछ भी नहीं है बहार में, नहीं है बहार में। जी चाहता है मूवी, जी चाहता है मूवी, ना देखूं बहार का, आंखों में रंगो भर के तेरे इंतजार का, अफसाना लिख रही हूँ। हासिल है यूं तो मुझको जमाने की दौलते, जमाने की दौलते, जमाने की दौलते। लेकिन से बुलाई, लेकिन से बुलाई हूँ एक तो द्वार का, आंखों में रंगो भर के तेरे इंतजार का, अफसाना लिख रही हूँ। अफसाना लिख रही हूँ, अफसाना लिख रही हूँ, दिले बेकरार का, आंखों में रंग भर के तेरे इंतजार का।
डॉक्टर साहब की बीमारी की खबर हमें जिस कदर जल्द हो सके नौसा तक पहुंचा देनी चाहिए। शेरखान तुम ही जाओ भैया, मुझे डॉक्टर साहब की देखभाल के लिए यही रहना चाहिए। ओहो, क्या हुआ है डॉक्टर साहब को मुंशी जी? गिल्टी निकल आई है, ताऊर हो गया है। ताऊर? ताऊन, खुदा खैर करे। नसीब दुश्मना, अगर इकबाल को कुछ हो गया तो मैं बेमौत मर जाऊंगी। उसे फौरन वापस ले आइए, आज ही, अभी, इसी वक्त। करके
आहा, नसीब की बात है, बेचारा गांव वालों का दुख दर्द मिटाने आया था, खुद ही शिकार हो गया। मैंने लाख जतन किए, रात भर खिदमत में लगा रहा, मगर मरीज इश्क पर रहमत खुदा की, मर्ज बढ़ता गया जूं जूं दवा की। तुम्हें बहुत याद करता था, तुम्हारा ही नाम लेते लेते वो बेहोश हो गया। अब क्या होगा? अच्छा हो जाएगा, घबराओ मत। हाँ, खूब याद आया, लो ये अंगूठी। कैसी अंगूठी? पहचानो, ये उसी की अंगूठी है, निशानी। मगर तुम्हारे पास कैसी आई? उसी ने दी थी, बोला हमीदा को दे देना। उन्होंने दी है? और मैं कहाँ से लाता, लो पहन लो इसे। खुदा करे वो अच्छे हो जाए, कोई खतरे की बात तो नहीं? खतरा काहे का, शहर में एक से एक डॉक्टर मौजूद हैं। हाथ बढ़ाओ। बुखार अभी तक तेज है, मैं बदलती हूँ पट्टी, तुम थोड़ा आराम कर लो जाकर। मैं जरा भी नहीं थकी अम्मी हुजूर, आप तो खामखा फिक्र करती हैं। जरा आईने में चेहरा तो देख जाकर, दो दिन में क्या से क्या हो गया है, न खाना न पीना न आराम। भूख भी तो नहीं लगती? तुझे तो न भूख लगती है न नींद आती है, लेकिन मैं तुझे अब न बैठने दूंगी, जा आराम कर। बारे इलाहा, अगर जान का सदका जान है तो मेरी जान हाजिर है, उन्हें अच्छा कर दे। तुझको शाहे अंबिया का वास्ता, हर शहीदे करबला का वास्ता, उनको सेहत दे मेरे परवरदिगार, दिल मेरा रहता है हरदम बेकरार। पानी तो पिला दो बेटा। जी। लीजिए। मुझे नई जिंदगी बख्शी है, मैं एहसानमंद हूँ। इंसान का फर्ज है कि वो इंसान की खिदमत करे, फर्ज ना शुक्रिया का मोहताज है ना इनाम का। बाग की फिजा आज फिर रंगीन दिखाई देने लगी, चकोर और चांद की बातें, मैं हुई कबाब में हड्डी बनने कहां से आ गई, माफ करना। ठहरो जुबैदा, वापस आओ। काहे को झूठ-मूठ बुला रही हो, रंग में भंग डालना अच्छा नहीं होता। ना बाबा ना, मैं चली। रात मैंने फिर एक ख्वाब देखा है। सर में तेल डाला करो बेगम, तुम्हें खुश्की हो गई है। खुश्की? जी, डर है तुम्हारे ख्वाब एक दिन इल्हाम न बन जाए। इल्हाम है समझिए, मैंने देखा मेरी गुड़िया और आपके गुड्डे में। ला हौले बिला कुव्वते इल्ला बिल्ला, बूढ़ी हो गई मगर बचपन न गया, कभी गुड़िया गुड्डों का खेल, कभी ख्वाबों का जिक्र, कुछ सोचने भी दोगी? तुम्हारे
हमारे आए वो भी जमाना याद करो, हम थे तुम्हारे तुम थे हमारे आए वो भी जमाना याद करो। दिल को लगा के हमसे आंखें चुरा के दूर गए हो जब से आए न जाके, छुप के जहां पर मिलते थे हम तुम आए वो भी ठिकाना याद करो, हम थे तुम्हारे तुम थे हमारे आए वो भी जमाना। जिस पर आए वो भी निशाना याद करो, हम थे तुम्हारे तुम थे हमारे आए वो भी जमाना याद करो। हाथों में आके दामन छूट न जाए के रिश्ते टूट न जाए, दिल से कभी जो दिल ने कहा था हाय वो भी फसाना याद करो, हम थे तुम्हारे तुम थे हमारे हाय वो भी जमाना याद करो। क्या देख रही हो बेटा? कुछ नहीं कुछ नहीं, मैं ये पूछने आई थी कि कोई चिट्ठी आई है या नहीं। जी जी बेटा, अपने बाबा से कहना कि चिट्ठी आएगी तो पहुंचा दी जाएगी। हाँ जी। आदाब बजा लाता है चाचा जान। मिजाज शरीफ, तुम्हारा बार बार यहाँ आना ठीक नहीं है दिलावर, मुझे ये हरगिज हरगिज पसंद नहीं। आपने ठीक कहा, दामाद का ससुराल में रोज रोज आना वाकई बुरी बात है। जबान संभाल के बात करो जी, एक बदमाश और लुच्चा मेरा दामाद नहीं बन सकता। पांच बरस से तरखा रहे हो, आज मैं लुच्चा दिखाई देने लगा। लुच्चा नहीं तो क्या है तू, निकल जा मेरे घर से। दिलावर सेवला जिना तुझे भारी पड़ेगा बुढ़े। मैं अपनी बेइज्जती का इंतकाम लेना भी जानता हूँ। ये गीदड़ भपकिया किसी और को दिखाना, मैं छुरी चाकू से डरने वाला नहीं। तेरी मौत तेरे सर पर खेल रही है। अबे जा मौत के बच्चा। इन्नालिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन। खुदा मगफरत करे, बहुत नेक और वफादार आदमी थे मुंशी अमजद अली। हमें उनकी यतीम बच्ची की दिलजोई के लिए फौरन वहां जाना चाहिए। सब करो बच्चे, खुदा को यही मंजूर था। हम जानते हैं कि अब तुम दुनिया में अकेली रह गई हो, लेकिन जब तक हम जिंदा हैं तुम्हें यह महसूस न होने देंगे कि तुम यतीम हो। हमारे साथ चलो।
आज आप कुछ परेशान नजर आते हैं, क्या बात है? कुछ नहीं, कोई खास बात तो नहीं है। किसी का इंतजार है? जी। कौन है वो खुशनसीब? जी। मैं पूछ रही हूँ किसका इंतजार हो रहा है? हजूर नवाब साहब की राह देख रहा हूँ। चाय पीजिए, ठंडी हो जाएगी। बंदी तस्लीम अर्ज करती है। जीती रहो बेटा, अल्लाह उम्र दराज करे। ये मुंशी अमजद अली मरहूम की इकलौती बेटी हमीदा। सुरैया, इसकी दिलजोई और देखभाल आज से तुम्हारे जिम्मे है बेटा। बहुत बेहतर, आओ बहन। हाँ, यतीम होना भी एक अजाब है। मुंशी अमजद अली मरहूम की खिदमात का ख्याल करते हुए हम इस यतीम बच्ची को अपने साथ ले आए। अच्छा हुआ, जवान लड़की का वहाँ कौन था। ये तुम्हारा कमरा है, कुशादा और हवादार। आराम से बैठो, मैं बातें इंतजाम करती हूँ। खबर सुनकर मुझ पर तो बिजली से गिर पड़ी थी। रह रहकर तुम्हारा ख्याल आता था। हजूर नवाब साहब तुम्हें यहाँ ले आए, बहुत ही अच्छा हुआ। अब कैसी है तबीयत? जी रही हूँ। आपने तो अपनी खैरियत के दो हर्फ भी नहीं लिखे। किसी पर क्या गुजरी ये जानने की जरूरत ही क्या थी आपको? ऐसा ना कहो हमीदा, तुम्हारी याद हर वक्त मेरे दिल में चुटकियां लिया करती थी, मगर मजबूर था, बीमार था। अब कैसी है तबीयत? तन का रोग तो जाता रहा, मन का रोग अभी तक बाकी है, और उस रोग की दवा सिर्फ तुम हो। वही आंखें, वही मासूमियत, वही अंदाज। मैं अच्छा हो गया हमीदा, बिल्कुल अच्छा हो गया। ये अंगूठी बहुत अच्छी लगती है तुम्हारे हाथ में। जब से मिली है सीने से लगाए बैठी हूँ। टूटे हुए दिल का यही एक सहारा है। कौन बहुत याद आता है? कैसे न याद आए, वो बीते हुए दिन, वो हंसती हुई घड़ियां तो आज भी मेरी आंखों के सामने है। वापस जाने को जी चाहता है? काश ऐसा हो जाए। मैं नवाब साहब से तुम्हारी सिफारिश कर दूं? अगर नवाब साहब राजी हो जाएं, तो उजड़ा हुआ घर फिर आबाद हो जाए मेरा। तुम्हारा घर आबाद हो जाए, मैं कोशिश करूंगा। तैयार है, गुसल कर लो बहन। जी आइए। ये अंगूठी दिलावर ने हमीदा को क्यों दी, मैं इसे क्या समझूं? आप जो चाहे समझें,
मगर आपका हर तरफ बिखरे रहना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। आपकी तस्वीर सिर्फ आप ही के कमरे में रहनी चाहिए। शुक्रिया, आपके इशारों पर चलना तो मेरा फर्ज है। आप इशारे समझते हैं? जी, क्या फरमाया? अरे तौबा, मुझे आंखें फूट गई थी मेरी, भला इस वक्त मेरा यहाँ क्या काम। जुबैदा। जी सरकार। कहाँ जा रही हो? वापस। वजह? सरकार खाना नोश फरमा ले, मैं इंतजार करती हूँ दूसरे कमरे में। चटनी के बगैर खाना मजा नहीं देता, समझी? मैं चटनी हूँ सरकार, इकबाल मियाँ तो फिर अचार होंगे। बंदा तो रोटी का एक सूखा टुकड़ा है जो इस दस्तरखान के काबिल ही नहीं। और आप तो माशाल्लाह फिरनी है फिरनी। मालूम होता है बहुत भूख लगी है तुम्हें। आपका बड़ा कुछ है, खा लूंगी। बहुत चब जबान हो गई हो, बैठ जाओ। बैठ गई। कुछ ताजा खबरें सरकार? ना मैं रेडियो हूँ ना अखबार। कुछ बातें करो। बंदी को बातें बनाना भी नहीं आता, गाना आता है वही सही। समझी, एक की कहानी दूसरे की जबानी, बहुत बेहतर, सुनाती हूँ। ये अफसाना नहीं जालिम, मेरे दिल की हकीकत है, मुझे तुमसे मोहब्बत है, मुझे तुमसे मोहब्बत है। ये अफसाना नहीं जालिम, मेरे दिल की हकीकत है। Thank you.
ठहरिए। आपसे एक बात पूछनी थी। पूछिए। मेरी तरफ देखिए। बात जुबान से कही और कान से सुनी जाती है, कहिए, मैं सुन रहा हूँ। मैं ये जानना चाहती थी कि कल तक जिन आंखों से मोहब्बत बरसा करती थी, आज उनमें बेरुखी क्यों झलक रही है? दिल शीशे की तरह नाजुक होता है हमीदा, ये टूट जाए तो फिर नहीं जुड़ता। आपका दिल तोड़ा है मैंने? हाँ, उस हमीदा ने जिसके चेहरे पर आज भी मासूमियत बरस रही है। मुजरिम को पहले जुर्म बताया जाता है, सजा बाद में दी जाती है। आप सजा दे रहे हैं लेकिन जुर्म नहीं बताते। जुर्म जानना चाहती हो तो बताओ, ये अंगूठी तुम्हें किसने दी है? दिलावर ने, और भला कौन देता? तो फिर मेरा शुबा दुरुस्त निकला। इस नए इंतखाब पर मैं तुम्हें मुबारकबाद देता हूँ। ये आप कह रहे हैं? जी, इकबाल हमीदा से कह रहा है। तो फिर मुझे भी ये कहने की इजाजत दीजिए कि आपने हमीदा को समझने में भूल की है। एक अंगूठी तो क्या, हमीदा कारून के खजाने से भी नहीं खरीदी जा सकती। मैंने तुम्हें जान लिया है, अब मैं फरेब नहीं खा सकता। आप जो चाहे कह सकते हैं, क्योंकि आप मर्द हैं और मैं औरत हूँ, एक मजबूर और लाचार औरत। तुम औरत नहीं, नागल हो। इस नए खिताब का शुक्रिया। अब एक बात मैं भी पूछ सकती हूँ? तुम क्या पूछना चाहती हो? ये अंगूठी आपने दिलावर को दी थी? जरूर दी थी, लेकिन इसलिए नहीं कि तुम्हारे हाथ की जीनत बने, बल्कि जुर्माना अदा किया था उस हसीन ख्वाब का कि जिसकी ताबीर तुम हो। मैंने इस अंगूठी से दिलावर को खरीदना चाहा, लेकिन उसने तुम्हें खरीद लिया। हमीदा इकबाल जिसके हाथों बिक चुकी। औरत जिंदगी में सिर्फ एक बार मोहब्बत करती है और हमीदा उस मंजिल से गुजर चुकी है। तो फिर दिलावर का दिया हुआ तोहफा तुमने क्या समझकर कबूल किया? उस फरेबी ने तो ये कहा था कि ये आपकी निशानी है, और यही समझकर मैंने इसे कबूल किया था। अगर ये उस शैतान की अंगूठी है तो बिच्छू के डंक से ज्यादा खतरनाक है मेरे लिए। मैं इसे अपने हाथ में ना रखूंगी, मैं इसे अपने हाथ में ना रखूंगी। मुझे किस कदर धोखा। मैं उस शैतान के हथकंडों से वाकिफ ना था। मैंने फरिश्ते की तरह नेक और हूर की तरह पाक हमीदा पर शुबा किया। मैं तुम्हारा मुजरिम हूं हमीदा, माफ कर दो, सिर्फ एक बार माफ कर दो मुझे। ओह, आप भी रोने लगे? खुदा के लिए मत रोइए, मैं आपकी आंखों में आंसू नहीं देती। बंदी तस्लीम अर्ज करती है। तस्लीम? ये आज दिनचर्या कैसी नमाज अदा हो रही है? जी, आज जरा देर हो गई। करती हो रात भर? जी ये बात तो नहीं, नवाब साहब की शफकत और आपकी मेहरबानियों ने मुझे आराम तलब बना दिया है, इसीलिए फर्ज के अदा करने में भी देर हो जाती है। खैर, आओ नाश्ता करें। चलिए। अरे जुबैदा, तू कब आई? खाने में बोलना मना, पेट हूं कहीं की। लो हमीदा। रही है आप? कलम तलाश कर रही थी, जाने कहाँ रख दिया है? कलम? कलम तो आपके हाथ में है। ओह, मैं भी कितनी अंधी हूँ। गजब खुदा का, घर में चोर घुसाया है और तुम खामोश बैठी हो। मैं कर ही क्या सकती हूँ। हिफाजत न की जाए, रोक थाम न हो तो इंसान बर्बाद हो जाता है। बर्बाद होने में भी एक लज्जत है जुबैदा। पागल न बनो, तबाह हो जाओगी, सबसे कीमती चीज छिन जाएगी तुम्हारे हाथ से।
कुछ हस्तियां ऐसी भी होती हैं जिन्हें पानी से ज्यादा खोने में मजा आता है। मैं तुम्हारी अंगूठी के बारे में कह रही हूँ, जानती हो वो कहाँ पहुँच गई है? जानती हूँ। उस नमक हराम छोकरी की हिम्मत तो देखो, जिस दरख्त के साये में बैठी है उसी की जड़ काटने चली है, मगर मैं ऐसा हरगिज ना होने दूंगी। जुबैदा, जुबैदा ठहरो, लौटो जुबैदा। बाजी आदाब, क्या देख रही हैं आप? मैं ये देख रही हूँ कि जो जलजला इस घर में आया है उसका असर इस चार दीवारी पर भी हुआ है या नहीं। कैसा जलजला? कब आया है जलजला? मुझे तो बिल्कुल मालूम नहीं। तुझे क्यों मालूम होने लगा कोरचश? भौंचाल बनकर दरो दीवार हिला डाले हैं तूने, आग लगा दी है एक हरी भरी फुलवारी में और अब अनजान बनी बैठी है। बाजी, ये आप क्या कह रही हैं बाजी? किसकी दुनिया उजाड़ी है मैंने? ये पूछ अपने दिल से, जिसने मकरो फरेब का जाल बिछा रखा है। तू वो नागन है जो अपने पालने वाले को डसने चली है। उतारी अंगूठी। अंगूठी? हाँ हाँ अंगूठी, जो सुनहरे ख्वाब तू देख रही है वो किसी दूसरे के हसीन ख्वाब की ताबीर है। उतारी अंगूठी। के क्या जवाब दूं? मैं अंगूठी का पूछ रही हूँ, नौकर चाकर की नजर पड़ गई तो गायब समझिए। नौकर लेकर क्या करेंगे? तो फिर ढूंढिए, आप तो मेरा मुंह तक रहे हैं। मगर जाएगी कहाँ? फिलहाल तो दिखाई नहीं देती, खुदा जाने कहाँ रख दी है। अजब चक्कर में पड़ गया हूँ। मिल गई, ताज्जुब है। वाकई ताज्जुब है। पसीना पहुंचिए, पसीना पहुंचिए हुजूर, पसीना। पर अब्र आ जाए तो क्या होता है? अंधेरा छा जाता है चारों तरफ। रात हमने भी एक ख्वाब देखा है। ख्वाब? कहीं आपको भी तो खुश्की नहीं हो गई? मजाक छोड़ो बेगम, हमने देखा है कि चांद को ग्रहण लग रहा है। माशा अल्लाह, सारी उम्र में एक तो ख्वाब देखा, वो भी इतना भयानक। हम इसे किसी आने वाले खतरे का पेश खेमा समझते। बंदी तो आपको खुद खतरों से खबरदार कर चुकी है, लेकिन आप कान कब धरते हैं? तुम्हारा मतलब? वही जो आपका है। पहेलियां बुझाती हो। साफ साफ तो आप भी नहीं कहते, चांद को ग्रहण लगने से पहले पहले ही इंतजाम कर लेना चाहिए। यही सोच रहे हैं। बहुत अच्छा, सोचते रहिए, मैं चली मायके। बेगम, आप सोच लीजिएगा तो मुझे बुलवा भेजिएगा। हमने सोच लिया है बेगम। बताइए। इधर आओ तो बताएं।
जरा हमारा सर तो दाबो। तुम्हारी आंखों में सावन भादों की झड़ी देखकर मेरा दिल बैठा जाता है हमीदा। ये मुस्कुराती हुई कली मुरझाया हुआ फूल कैसे बन गई? मुझे मेरे हाल पर छोड़ दीजिए खुदारा। नहीं नहीं, तुम्हें अपना दर्द बताना होगा। एक बेकस का मजाक ना उड़ाइए, मैं हाथ जोड़ती हूँ। मैं अपनी जिंदगी को खत्म कर दूंगा अगर तुम्हारे आंसुओं का तार ना टूटा। मैं इस तार से अपने टूटे हुए दिल के टुकड़े जोड़ रही हूँ, मेरा हाथ ना रोकिए। मगर क्या हुआ है तुम्हारे दिल को, ये तो बता दो। उजड़ गया है, बर्बाद हो गया है, और बर्बाद भी उस मेहरबान के हाथों हुआ है जिसने इसे आबाद किया था। यकीनन तुम किसी गलत फहमी में मुब्तला हो गई हो। और अब गलत फहमी का शिकार ना बन जाऊं, यही सोचकर मैंने किनारा कशी इख्तियार कर ली है। मैं अपनी हस्ती को अच्छी तरह समझ गई। तुम्हारी हस्ती मेरी उम्मीदों का मरकज, तुम्हारी याद मेरी जिंदगी का सहारा, तुम्हारी मोहब्बत मेरे इश्क की इंतहा है हमीदा। मुझे बहलाने की कोशिश न कीजिए। तुम्हारा मतलब है कि मैं तुम्हें फरेब दे रहा हूँ? जी नहीं, मैं जानती हूँ आप धोखेबाज नहीं, फरेब तो मैंने खाया है। ये तुम क्या कह रही हो हमीदा? तुम्हारा एक एक लफ्ज तीर नश्तर बरछी भाला बनकर मेरे सीने में उतर रहा है। आखिर किस जुर्म की सजा है ये? मुजरिम आप नहीं मैं हूँ, मेरी ही भूल थी जो पराई चीज को अपना समझ बैठी। मैंने आपकी निशानी वापस कर दी। शायद तुम्हें इस अंगूठी से बदगुमानी हुई है, मगर ये तो एक तोहफा है उस शहजादी का कि जिसके दर का मैं भिखारी हूँ। सुरैया मेरी आकाजादी है, मोहसिन है, हमदर्द है, मेरा और उसका जोड़ मखमल में टाट का पैवंद है। मैं उसकी इज्जत करता हूँ, इस्तराम करता हूँ, मगर खुदा जानता है मोहब्बत नहीं करता। मोहब्बत तो सिर्फ इकबाल और हमीदा ही कर सकते हैं। मगर जुबैदा बहन तो इस कहानी को किसी और ही ढंग से सुनाती है। जुबैदा एक अल्लड़ और नादान लड़की है जो न दिल की हकीकत जानती है न दिल का राज। मोहब्बत की दास्तान न उसने कभी सुनी है न उसका मतलब ही समझती है। वो हमारे जज्बात को क्या समझे? मेरी जिंदगी की नाव मझधार में न डूब जाए, मुझे रह रह कर यही ख्याल आता है। हवा मुखालिफ नहीं, समंदर में तूफान नहीं, फिर नाव क्यों डूबेगी हमारी? जब दिल एक है, इरादे नेक है, तो रास्ते की आई हुई हर बला टल जाएगी। तूफान के आने से पहले समंदर की लहरें खामोश हो जाती हैं। डरती हूँ सुरैया बाजी नाराज ना हो जाए। हरगिज नहीं, तुम सुरैया बानो को नहीं जानती। वो नेक दिल और आली जर खातून है, वो दो मोहब्बत करने वालों के दरमियान दीवार न बनेगी। हालत हमसे देखी नहीं जाती, क्या तकलीफ है बताओ? खाला जान, वक्त बर्बाद ना कीजिए, हकीम साहब को बुलवाइए जल्दी से। कल तक बिल्कुल अच्छी भली थी, अचानक बीमार हो गई है। ना आप खोलती है, ना बात करती है, ना कुछ हाल बताती है। कोई खतरे की बात तो नहीं है हकीम साहब? मामला खतरनाक सूरत अख्तियार कर चुका है। हमारे ख्याल में साहबजादी को दिक है। दिक? माफ कीजिए, साहबजादी को दिक नहीं, सिल है। सिल? नो नो नो, ना दिक है ना सिल, एनीमिया कहिए, पतला हो जाता है खून। आप सबकी राय अलग अलग है, इलाज किस चीज का होगा ये तो बताइए। गौर करना पड़ेगा, जब तक हम लोग किसी नतीजे पर न पहुंचे आप साहबजादी को माउल हयात इस्तेमाल कराइए। एक्सक्यूज मी, लीवर एक्सट्रैक्ट के 2 चम्मच यू नो टी स्पून बेहतरीन इलाज है। सुरैया आंखें खोल मेरी बच्ची, तेरी बीमारी से सारे घर पर उदासी छा गई है। अपनी माँ से 2 बातें तो कर उठकर। क्या बताते हैं हकीम, कोई खतरा तो नहीं है? खुदा बेहतर जानता है,
दवा के साथ साथ दुआ की भी जरूरत है। मायूस तो नहीं कर दिया? क्या बताएं? चलो नमाज का वक्त हो गया। कैसी है तबीयत बानो की? देख लीजिए, नब्ज बहुत तेज चल रही है। इस गरीब की जान बचा लीजिए। इनकी जान बचाने के लिए अगर मेरी जान भी काम आ जाए तो मैं अपनी खुशकिस्मती समझूंगा। हमें इसकी जिंदगी के साथ आपकी जान की भी जरूरत है, दुआ कीजिए। ये हाथ इस घर के बच्चे बच्चे की सलामती के लिए हर वक्त उठे रहते हैं। दुआ के साथ दवा की भी जरूरत है डॉक्टर साहब। इंशाल्लाह मैं कोई कसर उठाना रखूंगा। मेरी सखी, खुदा का लाख लाख शुक्र है तूने आंखें खोली। बता तो सही क्या तकलीफ है तुझे? किस तूफान को समेटे बैठी है अपने दिल में? क्यों ज्वालामुखी की तरह अंदर ही अंदर दहक रही है? तेरा कुमलाया हुआ चेहरा, उतरा हुआ रंग, बीमार आंखें मुझसे नहीं देखी जाती। खुदा के लिए कुछ तो बोल। परेशान ना करो सुबैदा, मैं तन्हाई चाहती हूँ। मेरी मौजूदगी से तुम्हें तकलीफ होती है? अच्छा तो मैं चली जाती हूँ। हमीदा। बाजी। मेरे पास बैठो। उलझे हुए ख्यालात को बदलने की क्या सूरत हो सकती है? दिल बहलाने की कई सूरतें हैं बाजी, सैर, तफरी, नाच, गाना। गाना? गाने में जादू का असर होता है, वो खुशी को बढ़ाता है और गम को दूर करता है। वो जख्मों का नमक भी बन सकता है और मरहम भी। कोई ऐसी चीज सुनाओ हमीदा जो मेरे दर्द की दवा हो जाए, जो बीमार दिल का इलाज बन सके।
यहाँ से जा रही है खालाजान, अगर आपने तवज्जो न की तो वो इस दुनिया से नामराद उठ जाएगी। उसका इलाज हकीम या डॉक्टर नहीं कर सकते। मसीहा घर में मौजूद है, रोग जानता है, मरज पहचानता है। अगर वो अपने हाथ से एक फाह भी रख देगा उसके जख्म पर तो वो फौरन अच्छी हो जाएगी। क्या कर रही हो जुबैदा? क्या मतलब है तुम्हारा? जुबैदा की न कोई सुनता है न सुनेगा। देर हो गई तो उम्र भर पछताना पड़ेगा। अब भी इकबाल भैया को उसके इलाज के लिए राजी कर लीजिए। सुरैया का इलाज वो ही कर सकते हैं। मगर बेटा, शहर के बड़े बड़े डॉक्टर और हकीम इलाज कर रहे हैं, इकबाल तो उनके सामने कल का बच्चा है। हाय अल्लाह, मैं आपको कैसे समझाऊं? सुरैया का इलाज आपके डॉक्टरों और हकीमों के पास नहीं, सिर्फ इकबाल के पास है। वो इकबाल भैया को दिलो जान से चाहते है। जुबैदा, ये तू तो क्या कह रही है बेटी? मैं सच कह रही हूँ खाला जान, यही आग है जो सुरैया के तन मन को फूंक रही है। मैं समझ गई, मेरी बच्ची इस ठंडी आग में जलकर भस्म हो जाती है। मगर ये राज तुमने आज तक मुझसे क्यों छुपाया? कैसे बताती, खानदान की इज्जत का सवाल था। इकबाल और सुरैया की शादी से खानदान की इज्जत पर बट्टा नहीं लग सकता। मैं इंतजाम करती हूँ। मेरे बच्चे, मैं तुमसे वो दवा लेने आई हूँ जिससे सुरैया की जान बच सकती है। उसे बचा लो बेटा। खुदा पर भरोसा रखिए, मेरे पास दुआ है, सो मैं कर रहा हूँ। अब सिर्फ दुआ से काम नहीं चलेगा बेटा, बीमार को आवे हयात की जरूरत है और वो आवे हयात सिर्फ तुम हो। जी, ये आप क्या फरमा रही हैं? यकीन करो बेटा, हम सुरैया को तुम्हें दे देने का फैसला कर चुके हैं। तुम उसका दामन थाम लो, वो इस दुनिया से रूठ कर जा रही है। खुदा ना करे, मगर मैं... तुम ही उसे रोक सकते हो, तुम ही मना सकते हो। वो सिर्फ तुम्हारी होकर जिंदा रह सकती है। बाखुदा बानो की जान बचाने के लिए मैं अपनी जान तक कुर्बान कर सकता हूँ, मगर ये इनाम मेरी औकात से बढ़कर है। तुम किस लायक हो ये हम जानते हैं। सुरैया अगर हमारी दाई आँख है तो तुम बाई आँख हो। जाओ, नवाब साहब ने तुम्हें याद किया। हमीदा, अब कैसी है तबीयत बानो की? बहुत बेचैन है, आंखें दरवाजे पर लगी हैं। ऐसा मालूम होता है किसी का इंतजार है। क्या होने वाला है, कुछ समझ में नहीं आता। मैं सब कुछ जान गई हूँ, सब कुछ समझ चुकी हूँ। आप सुरैया बानो का दामन थाम कर इस खानदान के एहसानात का बोझ उतार दीजिए। हमीदा, ये तुम कह रही हो? हमीदा का दिल एक शरीफ इंसान का दिल है। मैंने इस घर का नमक खाया है। मगर ये कैसे हो सकता है, मैंने जिंदगी भर साथ देने का वादा किया है तुमसे। आप मेरी फिक्र ना कीजिए, खुदा की कसम सुरैया बहन को सुहागन देखकर मुझे इतनी खुशी होगी जितनी अपना सुहाग देखकर भी नहीं हो सकती। एक तरफ फर्ज है, दूसरी तरफ मोहब्बत, मैं किधर जाऊं? मैं आपको अपनी मोहब्बत का वास्ता देती हूँ। आप सुरैया बहन से शादी कर लीजिए। हाँ कह दीजिए, हाँ कह दीजिए, मैं हाथ जोड़ती हूँ। मैं बहस ना कर सकूंगा तुमसे। मैं
हाजिर हो सकता हूँ? आओ बेटा, मैं तुम्हारा इंतजार ही कर रहा था। बैठो मेरे पास। सुरैया, आंखें खोल मेरी बच्ची। मैंने तेरे रोग की दवा पा ली है, अब तो बहुत जल्द अच्छी हो जाएगी। बुढ़ावा आ गया है, अब मुझे रोकने की कोशिश न कीजिए। अपनी माँ के कलेजे पर तीर न मार बेटा, तेरा बाप दीवाना हो जाएगा, तेरी माँ सर फोड़ लेगी अपना, ये घर वीरान हो जाएगा। मैं तुझे सुहागन बनाने के ख्वाब देख रही हूँ बेटा। ख्वाब की ताबीर उल्टी होती है अम्मी हुजूर, इंसान की सब मुरादें पूरी नहीं होती। मैं कुर्बान, तेरी मुराद जरूर पूरी होगी। मायूस क्यों होती है मेरी बच्ची? खालाजन, खालाजन, इधर आइए जल्दी से। क्या बात है ज़ुबैदा? इकबाल भैया राजी हो गए हैं, शादी आने में देंगे। सच? बिल्कुल सच। खुशियाँ, ये सब क्या हो रहा है? तुझे मुबारक हो, घर में शादी है, खुशियाँ मनाई जा रही हैं, ब्याह रचाया जा रहा है इकबाल भैया का। बहुत अच्छी खबर सुनाई तूने, मैं भी देख लूंगी ये ब्याह। अरे बावली, तेरा ब्याह हो रहा है इकबाल भैया के साथ। चल मैं तुझे दुल्हन बनाऊँ। मेरा ब्याह? ऐसा ना कहो जुबैदा, मैं दो मोहब्बत करने वालों के दरमियान दीवार बनना नहीं चाहती। तो क्या तुम इकबाल भैया से मोहब्बत नहीं करती? ये मैंने कब कहा था कि मैं उनसे मोहब्बत करती हूँ, और अगर करती भी हूँ तो मेरा फर्ज क्या ये है कि अपनी खुशी पर दूसरों की खुशियाँ कुर्बान होते देखूं? ये उस वक्त पूछूंगी जब तेरी शादी होगी, जब तू सुहाग का जोड़ा पहनेगी। सुहाग का जोड़ा? क्या शादी के बगैर मोहब्बत अधूरी रह जाती है? तुमने मुझे गलत समझा है जुबैदा, नादान की दोस्ती कितनी बड़ी दुश्मनी होती है, ये आज मालूम हुआ। इश्क और मुश्क छिपाए नहीं छुपते, समझी? तूने मुझे बदनाम कर दिया है। अब्बा हुजूर क्या समझेंगे, अम्मी क्या ख्याल फरमाएंगी, हमीदा के दिल पर क्या गुजरेगी? तूने मुझे कहीं का नहीं रखा जुबैदा। हाय मेरे अल्लाह, अब तुम्हें कौन समझाए, तुम तो हमदर्दी को भी दुश्मनी समझती हो। इस हमदर्दी का शुक्रिया, मगर जो बात तुम समझती नहीं उसमें उलझती क्यों हो? अब तुम कुछ भी कहो, मगर ये शादी होगी और जरूर होगी, इसे कोई नहीं रोक सकता। मेरे बच्चे, तू जुग जुग जिए, दूधो नहा तू तो फले, आज मैं तुझे अपने हाथ से दुल्हन बनाऊंगी। अम्मी हुजूर, देख सुहाग का जोड़ा तेरे मनपसंद बनवाया है मैंने। बहुत खूबसूरत है, इसे रख दीजिए और आप सब दूसरे कमरे में जाइए, मैं अपना जोड़ा सिर्फ अपने हाथों से पहनूंगी, बिल्कुल अकेले में सिंगार करूंगी। बड़ी खुशी की बात है, मगर तू बहुत कमजोर है बेटा, हम सब तेरी मदद करने आई हैं। मुझे किसी मदद की जरूरत नहीं अम्मी हुजूर, मेरे जिस्म में अब काफी ताकत पैदा हो गई है। जिद न कर मेरी बच्ची, मैं इल्तजा करती हूँ, आप इन सबको अपने साथ ले जाइए। तेरी मर्जी। आओ जुबैदा। लाख लाख शुक्र है, ये दिन देखना नसीब हुआ। हमीदा, बाजी, फिक्र ना करो, मैं अच्छी हूँ, घर में शादियां में बज रहे हैं
और तुम उदास बैठी हो। नहीं बाजी, मैं उदास नहीं हूँ। आज तो मैं बहुत खुश हूँ, इतनी खुश कि बयान नहीं कर सकती। खुदा आपका सुहाग सलामत रखे। जरा मेरे साथ आओ मेरे कमरे में। चलिए। बहुत ही खूबसूरत, निहायत लाजवाब। अल्लाह मुबारक करे। पसंद आया? इसे कौन ना पसंद करेगा। सच, खुदा की कसम। इस दिन के इंतजार में मैं आंखों में दम रोक के बैठी थी। खुदा आपको हमेशा सलामत रखे। सुहागन बनना हर एक की किस्मत में नहीं होता। सच है, जिस पर खुदा की रहमत हो उसी को यह दिन नसीब होता है। बदनसीब मुंह देखते रह जाते हैं, किस्मत की बात है। यह जोड़ा अम्मी हुजूर ने बिल्कुल मेरी पसंद के मुताबिक बनवाया है। यह रंग भी मुझ पर खूब खिलता है। देखो, वाकई खूब खिलता है। गोरा चिट्टा रंग, उस पर केसरी जोड़ा, यूं मालूम होता है अनार की कली अपने निखार पर उतरा रही है। जाने क्या बात है, लड़कियां ब्याह का नाम सुनकर ऐसी खुशी महसूस करती हैं जैसे उन्हें जन्नत मिल गई। मेरे मुर्दा हाथों में फिर से जान आ गई। सुहाग का जोड़ा, तमन्नाओं का रंग, शहनाइयों की आवाज, घर का नक्शा कितना भला मालूम होता है। आज मैं बहुत खुश हूँ, आज मैं बहुत खुश हूँ हमीदा। तुझे क्या हुआ, तेरी आंखों में आंसू कैसे छलकने लगे? मैं हंस रही हूँ, घर हंस रहा है, फिजा हंस रही है, सब हंस रहे हैं। तू किस लिए तस्वीर बहा रही है? ब्याह के दिन मातमी सूरत नहीं, खिलखिलाते हुए चेहरे देखे जाते हैं। मैं तो हंस रही हूँ बाजी। ये देखिए, तेरी फीकी हंसी इस बात की दलील है कि तू मेरी किस्मत पर रश करती है। मैं और आप पर रश करूं? खुदा वो दिन ही नसीब ना करे मुझे। तेरी किस्मत और मेरी किस्मत में जमीन आसमान का फर्क है पगली। एक चढ़ता हुआ चांद, दूसरा डूबता हुआ सूरज। मैं हर हालत में अपनी किस्मत पर शाकिर हूँ। तू चाहती है कि मैं एक कामयाब दुल्हन बनूं? ये मेरी दिली ख्वाहिश है बाजी। और ये भी चाहती है कि मेरी कामयाबी लाजवाल हो जाए? मेरी यही तमन्ना है। तकलीफ तो ना होगी तुझे? जी नहीं। आंसू तो ना निकल आएंगे तेरे? हरगिज नहीं। फिर तो ना जाएगी अपनी जबान से? कभी नहीं। तो फिर सुहाग का जोड़ा उठा और उसे अच्छी तरह देख और बता के ये कितना खूबसूरत है। बहुत ही बेपनाह है बाजी। अगर मैं तुझसे कहूं इसे पहन ले तो पहन लेगी? जी, दिल तो जरूर चाहता होगा। इस दिल की हकीकत अल्लाह ही बेहतर जानता है बाजी। आज तेरी बाजी तुझ पे मेहरबान होना चाहती है, उसकी खुशी पूरी करेगी। आपका हुक्म मेरे सर आंखों पर। फरमाइए।
ये जोड़ा पहन ले फौरन। मैं और आपका जोड़ा पहनूं? ये कैसे मुमकिन है? खुदा आपका सुहाग सलामत रखे, ये आप ही को जेब देता है। तू मेरा हुक्म नहीं मानेगी? खुदारा मुझे मजबूर ना कीजिए। तू बड़ी गुस्ताख है, मेरी आखिरी खुशी भी पूरी ना करेगी हमीदा। मेरा इम्तिहान ना लीजिए बाजी, लिल्लाह मुझ पर रहम कीजिए। वक्त बीता जा रहा है, दिल बैठा जा रहा है, मैं तुझे किस चीज का वास्ता देकर समझाऊं? अरे नादान, ये तेरे ही सुहाग का जोड़ा है, तेरे ही लिए महल में शादियां में बज रहे हैं। बाजी, इस कमजोर जिसमें अब हाथ जोड़ने की ताकत भी नहीं रही, तुझे खुदा का वास्ता है, पहन ले जोड़ा, ये सब तेरे ही लिए है। सुरैया, सुरैया दरवाजा खोल बेटा, तेरी सहेली आई है। अभी खोलती हूँ मम्मी। अभी देर हो रही है बेटा, जल्दी खोल दरवाजा। जी हाँ, बस एक मिनट। कितनी देर लगाएगी, वक्त बीता जा रहा है बेटा। देर आ रहा है, बस अभी खोलती हूँ दरवाजा। तौबा अल्लाह, जाने क्या कर रही है अकेले अकेले। मैं कहती हूँ दरवाजा खोल, थक गए इंतजार करते करते। सुरैया, सुरैया, अरे जवाब तो दे, कब तक शर्माती रहेगी? सुहाग का जोड़ा तो देखने दे मुझे, मैं तेरी बलाएं लेने को बेचैन खड़ी हूँ। सुरैया, सुरैया। दरवाजा खोल बेटा, आखिर कहे की देर है। देखूं तो सही कैसा रूप आया है मेरी बच्ची पर। हमीदा, तू और इस लिबास में, तेरी ये मजाल कमबख्त। इसे कुछ ना कही अम्मी हुजूर, हमीदा को मैंने अपनी मर्जी से दुल्हन बनाया है। मगर तूने ऐसा क्यों किया है बेटा? ब्याह तेरा रचाया गया है, खुशियां तेरी देखनी है हमें। एक जिंदा इंसान की शादी जिंदा इंसान ही से हुआ करती है अम्मी हुजूर, मुर्दे से नहीं। सुरैया, तुझे क्या हो गया है बेटा? ये कैसे कलमात जबान से निकाल रही है तू? माँ बाप की खुशियाँ पूरी होने दे मेरी बच्ची, ला मैं तुझे अपने हाथ से दुल्हन बनाऊँ। शौक ही पूरा करना है तो मुझे दो गज लट्ठा मंगवा दीजिए अम्मी हुजूर। मेरे सुहाग का जोड़ा ये सर पर लिबास नहीं, सिर कफन है। मेरे अल्लाह, ये कैसा अंधेर है, तू मुझे पागल बना देगी। सुरैया, आखिर क्या हो गया है तुझे? मैं खुद हैरान हूँ कि अम्मी हुजूर को क्या हो गया है। आपकी सुरैया जिंदगी की आखिरी सांस ले रही है और आप उसका ब्याह रचाए बैठी हैं। मैं कब्र के दहाने पर खड़ी हूँ और आप मेरे हाथों में मेहंदी लगाना चाहती हैं। मुझे चैन से मरने दीजिए, चैन से। हाँ मेरे अल्लाह, ये कैसा आसमान टूट पड़ा है मेरे सर पर। तू अपनी माँ के कलेजे में भाले गाड़ दे, मगर लिल्लाह अपने जबान से ऐसे कलेमात न निकाल। मैं तेरी माँ हूँ सुरैया। अजल मेरा दामन थामे खड़ी है, सांस मलकुल मौत के इशारे की मुंतजर है। अगर आप चाहती हैं कि मैं हमेशा हमेशा के लिए अच्छी हो जाऊं, तो जो कुछ हो रहा है उसे खुदा की मर्जी समझकर होने दीजिए। मगर ये कैसे मुमकिन है, क्यों कर हो सकेगा मेरी बच्ची? मैं तेरे दर्द का इलाज कर रही हूँ। मुझ में बहस करने की ताकत नहीं रही, मेरा इलाज, मेरी सेहत, मेरी तंदुरुस्ती और मेरी सलामती का ख्याल है। तो जिस कदर जल हो सके हमीदा का दामन इकबाल के हाथ में दे दीजिए। यही मेरे रोग की दवा और यही मेरे दर्द का इलाज है अम्मी हुजूर। मैं आपको किस तरह समझाऊं, मेरी जबान में फरियाद करने की ताकत नहीं रही। मैं जिंदा रहना चाहती हूँ, कयामत तक जिंदा रहना चाहती हूँ, मुझे मरने से बचा लीजिए। Thank you.
हमीदा खातून बिन्त मुंशी अमजद अली को आपकी ज़ौजियत में देता हूँ, आपको कबूल है? कबूल है। मुबारक बाशद। माशाल्लाह, खुदा ये जोड़ा हमेशा सलामत रखे। आज मैं बहुत खुश हूँ, बहुत खुश।